समझ में आएगा, तो आप चित्र बनाना समझा सकते हैं, कला कह सकते हैं उसको, है ना। जैसे आप प्ले करो, एक लड़की किसी मुश्किल काम में फंसी है जो कि उनसे नहीं हो रहा है। इन सभी चित्रों को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि क्या यह सभी कार्य कंप्यूटर से कर सकते हैं या नहीं? यहाँ वीडियो रोकेंगे, पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन, इतना समझने के बाद उनको क्या होगा, वो आंसर करेंगे कि हाँ कर सकते हैं। वो पूछ भी सकते हैं कि कैसे करेंगे, ये भी उनके आंसर होंगे, क्वेश्चन होंगे, तो उनको हमें समझाना होगा वीडियो में। आगे थोड़ा सा अगर दिखाएं, तहर दिखाएं, जो भी है क्वेश्चन दिखाएं, तो आगे वो समझ जाएंगे। बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए उनको जितना आपको पता है, नहीं तो आगे वीडियो में तो मिलेगा आपको। प्ले कर दीजिए। इन चित्रों को देखने के बाद आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर और किस लिए किया जाता है। अगर किसी को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए अब कुछ और चित्रों को देखें। कंप्यूटर से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं? कंप्यूटर से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग करना। यहाँ पे वीडियो का टाइमिंग है, वीडियो रोक के क्वेश्चन पूछे कि कंप्यूटर से क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उनका आंसर कुछ और होगा, इसमें कुछ और आंसर मिलेगा, तो रोक के पूछना है। जहां भी क्वेश्चन पूछा हो या कोई नया चीज लगे कि हाँ मुझे ये समझाना चाहिए उनको, बच्चों को, तो आप वीडियो रोक के समझा सकते हो। अभी वीडियो कैसे रोकेंगे, कैसे प्ले करेंगे, वो आगे क्लास में, आगे के टाइम में मैं बता दूंगा आपको कैसे वीडियो आगे करना है, क्या करना है, सब कुछ बताया जाएगा। बट हमें स्टार्टिंग से कर रहे हैं, इसलिए हम आपको एक एक लेवल पे लेके आऊंगा। प्ले करो। गाने सुनना, कैसा भी डॉक्यूमेंट बनाना, आगे और चित्रों को देखें और समझें, कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर और किस लिए करते हैं। दिए गए चित्र को देखें और बताएं क्या आप लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन आया, सामने चित्र है, क्या हम कंप्यूटर का उपयोग लाइब्रेरी में कर सकते हैं? कर सकते हैं, किस कार्य के लिए? आप बताइए। कंप्यूटर में लाइब्रेरी का उपयोग क्यों करते हैं? डेटाबेस बनाने के लिए। कुछ ऐसा डेफिनेशन बताइए जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। ये तो बहुत आसान है, हम यहाँ से खड़ा हुआ बहुत आसान लगता है कि डेटाबेस बनाना, डेटा बनाना, बट उनको कैसे एक्सप्लेन करना है? डाटा रिकॉर्ड के लिए सर, डाटा रिकॉर्ड में कौन सी बुक ले जा रहे हैं, कौन ले रही है, ये चीज़ ऐसे बताना है। आपको ऐसे बताना है कि कंप्यूटर का उपयोग लाइब्रेरी में हम बुक्स की जानकारी रखने के लिए कर सकते हैं कि कौन कितने बुक कब लेके गया है, कब वापस किया और कितने बुक हमारे पास अभी मौजूद हैं। ऐसे टाइप के डेफिनेशन होने चाहिए जो हमारे पास है, इसके अंदर है, लेकिन अगर आपको समझाना है तो समझा सकते हैं। या नहीं, लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग बुक्स की जानकारी रखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से आप सब यह भी जान सकते हैं कि कितनी बुक्स स्टूडेंट लेके गए हैं और कितनी वापस आई है। दिए गए चित्र को देखें और बताएं क्या आप बैंक में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, सबको पता है, किस लिए कर सकते हैं? पैसे का लेन देन, का ट्रांजेक्शन का, अकाउंट से डिटेल रिलेटेड जो भी हो, हम उनकी जानकारी की। देखिए पीपीटी के स्किप वीडियो के अंदर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, क्योंकि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज में भी डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो भी अलग स्टेट हैं, जैसे यहाँ पे है गुड़गांव में, दिल्ली में, फरीदाबाद, जो भी है, तो यहाँ पे ये चल जाएगा। अब हमें उधर साउथ में जाना हो तो उसके लिए ये फॉर्मेट चाहिए, इंग्लिश और हिंदी की जगह साउथ वाली जो लैंग्वेज है, तो हम उसके लिए इसको चेंज कर देंगे, जो ऑडियो का साउंड आ रहा है उसको भी हम चेंज कर देंगे, तो ये हर एक लैंग्वेज में हम डेवलप करेंगे। या नहीं,
बैंक में आप पैसों की लेन देन की जानकारी रखने के लिए कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे भेज सकते हैं। दिए गए चित्र को देखकर बताएं, क्या आप रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं? आप बताइए सर। नहीं नहीं, आपसे नहीं। आप बताइए, कंप्यूटर का उपयोग रेलवे स्टेशन पे कर सकते हैं नहीं? किस कार्य के लिए? ये देखने के लिए कि रिजर्वेशन किसी को हमारे मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, उस पे टिकट लेने के लिए। आप बताइए, रेलवे काउंटर पे सर हम लोग देख सकते हैं, उसमें टिकट रिजर्वेशन इंक्वायरी स्टेटस है, सीट अवेलेबल है या नहीं है। जो ये क्लास है, जिस क्लास के लिए आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस क्लास का मेंटल स्टैंडर्ड किस लेवल का है? क्लास वन से लेके क्लास एट तक आप मान के चल रहे हैं बेसिक कोर्स है ये, उसमें सभी क्लास के बच्चे होंगे। अब जिन बच्चों ने प्रैक्टिकली ये फिगर नहीं देखा या नहीं देखा, जैसे आप अभी बैंक की बात कर रहे हैं, बहुत से बच्चों ने बैंक की उसको प्रोसेस को नहीं देखा है, रेलवे स्टेशन के प्रोसेस को नहीं देखा है, तो उनके लिए शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि ये किस तरह से होगा, डोंट यू थिंक? और ऐसी कंडीशन में जहाँ बच्चे थोड़ा सा जब जो जिसे कभी रेल गुस्से एरिए से बाहर नहीं निकले, अपने गाँव से बाहर नहीं निकले या अपने कस्बे से बाहर नहीं निकले, जिन्होंने ये जिस फिगर है, ये पिक्चर है, पिक्चर उन्होंने नहीं देखा कभी, ये सिचुएशन दिमाग में भी आती, तो उसको उनको आप बता दोगे आपने कैसे, लेकिन उनको वास्तव में कन्विंस कैसे करेंगे कि ये वास्तव में पॉसिबल है, उससे कन्विंस कैसे? इजी लैंग्वेज में समझा सर। पहले तो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ठीक है, पर हम उनको बताएंगे, क्योंकि हाँ मैं समझ रहा हूँ कि कस्बे में जो लोग हैं कि वो नहीं जाते, नहीं देखते हैं, बट मुझे डिफिकल्ट हो रहा है कि मैं क्या आंसर करूँ। हाँ, आंसर ये है कि उन्होंने नहीं देखा, आज के टाइम में मुझे तो नहीं लग रहा है कि बहुत ही कम ही होगा। हाँ, क्वेश्चन सही है, पर उनको हम समझाएंगे, बताएंगे। ये चीज अगर मैं सिर्फ ये पूछा, अगर मान लिया क्लास वन से क्लास एट तक, क्लास एट के बच्चे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि संभव है, वो बच्चे जो गांव से निकल के एक सिटी तक नहीं आए आज तक, उनको कैसे चीज़ को आप उनको कैसे कन्विंस कर पाएंगे इस बात? हमने जब स्टार्ट किया था ना, आरडी सिटी एक यहाँ पे है सेक्टर, आप आरडी, मैं अपने एंगल सोच रहा हूँ, अगर मैं जाता हूँ उत्तराखंड में और वहाँ से धारचूला जाता हूँ, पिथौरागढ़ से आगे 150 किलोमीटर धारचूला जाके मैं मान लिया प्रोजेक्ट को शुरू करता हूँ, तो उनको मैं क्या बताऊँगा कि भाई ये क्या चीज़ है, किस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज होता है? इनके लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए आई कैन अंडरस्टैंड और उसके लिए बच्चों के लिए ईजी है, ये सब चीज़ समझ नहीं है कि टीवी भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, वहाँ पे तो ये सब फैसिलिटीज नहीं, तो इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो एग्जाम्पल वहाँ पे है, ऐड होना चाहिए, कुछ सिंपलेस्ट चीज़ें ऐड होनी चाहिए जो उस एरिया के लिए वास्तव में काम कर सके। जैसे मान लिया सेलफोन हर जगह पहुंचा हुआ है, नो डाउट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका है। अब सेलफोन पे अगर मैं उसको कहूँ पेटीएम करो या ये करो ये करो, उसकी उसको कुछ सेलफोन तक तो समझ में आ जाएगा उसको, यहाँ इसी सेलफोन का भी आप कम्युनिकेशन, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ये भी छोटा सा कंप्यूटर है, इस तरह से इसके द्वारा हम अगर करेंगे ना, खाली काम बहुत आसान हो जाए, देखा हो प्रैक्टिकली होते हुए देखा है, तभी तो उस चीज को समझ पाएंगे। चलो ऐसे ही आपका कंटिन्यू, ये सब चीजें एक बस देखिए, प्राइमरी इंफॉर्मेशन से उनको आप जैसे जैसे बड़े होंगे फिर रोड का जैसे बड़े हो तो चेक करो, इतना मैं बात कर रहा हूं, अगर 8 के बच्चे समझ नहीं जानते हैं, गुरु जानने का प्रयास करें, अगर हाई है नया है माइंड में रहना चाहिए, तो आप उसे को जैसे आप हमें कोई चीज नॉलेज नहीं है, हमने सुना है आगे जाकर देखें, आइए चीज का
बस नोट में लिख दिया आपको पता चल जाता है उसका ये प्ले करो। रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर से टिकट की रिजर्वेशन की जाती है। कंप्यूटर से हम ट्रेन के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब और चित्रों को देखें जहां पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ये जो आंसर है रेलवे स्टेशन का कि टिकट की जानकारी या ट्रेन की जानकारी रखने के लिए करते हैं, तो इजी है या नहीं? मेरा छोटा सजेशन था कि आज अभी भी 50% लोगों ने कभी ट्रेन एक्चुअली आकर ट्रेन नहीं देखी है, दे आर नॉट ट्रैवल विद ट्रेन, तो हम समाज का सफर नहीं किया, तो रिजर्वेशन की बात तो मत करो। टिकट है सर, रिजर्वेशन नहीं है, टिकट है। टिकट तो समझ में आ ही जाएगा क्योंकि प्लेटफॉर्म पे अगर उसके घर में जो पेरेंट्स हैं कोई भी गया होगा तो जाके बोले टिकट लेके आते हैं। मैं जब छोटा था, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो जब भी हम बाहर जाते थे मामा के घर या कहीं भी, तो ट्रेन से जाते थे, उस समय इतना छोटा सा टिकट मिलता था पैसेंजर ट्रेन का, उस टिकट को हम कलेक्ट करके रखते थे कि हमने गए थे, हम अपने फ्रेंड्स में दिखाते देखो ये टिकट है। सर आप पहले की बात कई चित्रों आज चलते हैं वो, हाँ चलते आज भी चलते हैं, तो हम टिकट दिखाते थे तो पता चल जाता था कि टिकट ही है। तो हो सकता है सर कहीं से रिजर्वेशन चलेगा, रिजर्वेशन नहीं समझेंगे, रिजर्वेशन नहीं।